नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन गियरबॉक्स में। आप सबको पता है कि ईवी सेगमेंट इंडिया में कितनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है, स्पेशली यदि हम स्कूटर्स की बात करें तो। और इसमें भी एक बड़ा नाम आता है ओला का। ओला जब से लॉन्च हुआ है स्कूटर के सेगमेंट में, तब से उसने तबाही मचा रखी है। लगभग 40% सेल ओला अकेला करता है इंडिया में ईवी स्कूटर्स की। जिस प्रकार से टाटा ने गाड़ियों में अपना वन साइडेड गेम बना रखा है, उसी प्रकार से ओला ने स्कूटर के अंदर भी इंडियन मार्केट में अपना गेम वन साइडेड कर रखा है। अब ओला दो स्टेप आगे और निकल गया है और अपनी बाइक जो ईवी बाइक है उसको भी इंडिया में लॉन्च कर दिया है, जो कि उसकी डेट थी 15 अगस्त को। उन्होंने इंडिया में अपनी जो बाइक्स हैं उनको लॉन्च किया गया, बट उनकी जो डिलीवरी है वो अभी से नहीं स्टार्ट हो रही है और अगले साल से स्टार्ट होगी। तो इस वीडियो हम बात करने वाले हैं उस बाइक के बारे में या जो मॉडल्स उन बाइकों में आ रहे हैं उनके बारे में, साथ ही आपको उनकी सारी डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। यदि हम सबसे पहले मॉडल्स की बात करें तो ओला की जो बाइक है उनके अंदर आपको 3 मॉडल देखने को मिलेंगे। एक है रोस्टर, एक है रोस्टर एक्स, एक है रोस्टर प्रो। अब इनके बारे में एक एक करके मैं आपको इनकी डिटेल बता देता हूं। तो यदि हम इस बाइक के जो बेस मॉडल है रोस्टर एक्स उसकी बात करें तो उसकी मैं सारी डिटेल आपको बता देता हूं। इसके अंदर आपको 3 टाइप की बैटरी पैक देखने को मिलेगी। एक है 2.5 किलोवाट आवर की बैटरी पैक, उसके साथ आपको 3.5 किलोवाट आवर की, और एक लास्ट आपको जो इसमें सबसे टॉप एंड बैटरी पैक है 4.5 किलोवाट आवर की देखने को मिल जाएगी। यदि हम उसकी रेंज और टॉप स्पीड की बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो टॉप स्पीड है वो 105 किलोमीटर पर आवर की मिलने वाली है। और साथ यदि मैं रेंज की बात करूँ तो वो आपको जो टॉप एंड रेंज है वो है जो क्लेम ओला ने की है वो है 117 किलोमीटर की। यदि प्राइजिंग की बात करूँ तो ये बाइक आपको 75,000 के एक्स शोरूम प्राइस में देखने को मिल जाएगी। इस बाइक को ऐसे डिजाइन किया गया और मार्केटिंग ओला इस प्रकार से कर रही है कि इसको हर कोई आसानी से खरीद सके। जितना हम पेट्रोल बाइकों पे जितना खर्च कर रहे हैं, जो ऑन एवरेज एक जो जनरल पब्लिक होती है वो 70 से 80 हज़ार रुपये के आसपास की बाइक आराम से खरीद लेती है, तो उसी प्रकार से इस बाइक की प्राइजिंग भी इतनी ही इंट्रोडक्टरी रखी गई है। यदि हम डिलीवरी की बात करूँ तो ये आपको मार्च 2025 के आसपास देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आप इसको आराम से जाके शोरूम से परचेज कर सकते हो। ये तो बात होगी बेस जो रोस्टर एक्स है उसके बारे में। अब इसका जो सेकंड या हम मिड वेरिएंट की बात करें तो वो आता है रोस्टर एक्स। अब उसकी सारी हम डिटेल आपको बता देते हैं। इसके अंदर भी आपको 3 बैटरी पैक देखने को मिल जाएंगे। एक है 3.5 किलोवाट आवर का, एक है 4.5 किलोवाट आवर का, और एक इसमें मिलेगा 6 किलोवाट आवर का। रेंज की बात करें जो टॉप एंड बैटरी पैक है तो उससे ये निकाल के देगी 248 किलोमीटर की जो क्लेम की है ओला ने। और उसी के साथ ये टॉप स्पीड की बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगी 127 किलोमीटर पर आवर, मतलब अच्छी खासी आपको स्पीड इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। अब साथ ही इसकी जैसे रेट बढ़ी है, उस जो हमारे पास रोस्टर एक्स थी उसकी रेट हम 75,000 से 1 लाख के आसपास थी, तो उसमें हमको ज़्यादा टेक्निकल फीचर्स नहीं मिलने वाले थे, बट यहाँ आपको टेक्निकल फीचर्स भी मिलने वाले। उसके साथ आपको 3 मोड मिलने वाले हैं, इको, नॉर्मल और हाइपर जैसे 3 मोड आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जो रोस्टर एक्स है, मैंने जैसे बताया कि इसमें टेक्नोलॉजी दी है, तो इसमें कुछ टेक्नोलॉजी जैसे मिल रही है उसकी मैं बात करूं, एक तो आपको डिस्प्ले जो टच वाली है वो देखने मिलेगी, उसके साथ आपको क्रूज कंट्रोल भी इसके अंदर देखने में मिल जाएगा। नेविगेशन के लिए आपको डिस्प्ले में मैप भी दिया गया है, साथ में ये आपको एडवांस रीजनरेशन भी करके देगी। इसलिए ये जो मिड वाला वेरियंट है मुझे काफी वैल्यू फॉर मनी लगा इस चीज का। यदि मैंने जब इन तीनों को नोटिस किया तो इसमें मुझे जो मिड वाला है वो काफी वैल्यू फॉर मनी लगा। अब ये जो मिड वेरियंट है रोस्टर, यदि हम उसके शोरूम प्राइस की बात करें तो स्टार्टिंग हो जाएगी 1,05,000 रुपए के आसपास, जो कि इसको बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बना देता है। अब यदि हम इस मिड वेरिएंट की डिलीवरी की बात करें तो ये आपको जैन 2025 में इंडिया में डिलीवरी होती हुई दिख जाएगी, तो इसको आप जैन 2025 से आराम से खरीद सकते हो। अब जो इसमें थर्ड वेरिएंट आ रहा है, जो टॉप एंड वेरिएंट आ रहा है, जिसके अंदर आपको बहुत कुछ दे रखा है, सबसे पहले उसकी डिजाइनिंग बहुत तगड़ी की है, एक स्पोर्ट्स बाइक का जो लुक है वो उसमें कैरी फॉरवर्ड किया गया। हाँ, आप इसमें जैसे रोस्टर एक्स है, अब रोस्टर एक्स का भी मैं थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ कि डिजाइनिंग ठीक है, बट रोस्टर जो इसकी है उसकी और डिजाइनिंग बढ़िया है, और जो रोस्टर प्रो है उसकी तो बहुत ही तगड़ी है। आप ये देख सकते हो कि स्पोर्ट्स बाइक जैसे चलती है वैसे आप इसको यूज कर सकते हो। जो इसमें जो इसकी डिटेल आपको बताने वाला हूँ उससे आप समझ जाओगे कि मैं स्पोर्ट्स बाइक के साथ इस बाइक को क्यों कंपेयर कर रहा हूँ। अब इसके अंदर आपको 2 ही बैटरी पैक देखने को मिलेंगे, एक 8 किलोवाट आवर का बैटरी पैक और दूसरा इसका 16 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। अब इस बैटरी पैक के साथ यदि हम इसकी टॉप स्पीड की बात करूं तो ये देगी आपको 192 किलोमीटर पर आवर। जी हाँ, 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो इसकी टॉप एंड जो स्पीड है वो होने वाली है। यदि हम पीक पावर की बात करूं तो वो देगी आपको 52 किलोवाट आवर की, मतलब अच्छी खासी आपको इसके अंदर पावर देखने को मिलेगी। मतलब बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, जिसके अंदर 52 किलोवाट आवर की आपको पीक पावर नहीं मिलती, बट यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी।
अब जो रेंज ओला इस रोस्टर प्रो में क्लेम कर रहा है वो है 579 किलोमीटर की, तो वो तो हमें देखने को जब मिलेगी या हम उसको टेस्ट करेंगे तब पता चलेगी कि कितनी जेन्युइन है। बट यदि इसमें से यदि 450-400 प्लस भी दे रही है तो भी मेरा मानना है कि ये रेंज काफ़ी अच्छी है एक बाइक के लिए, और उसकी उसी के साथ इतनी अच्छी पावर है इसके अंदर, ये आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि कहीं ये बाइक है वो लेकर रही है। अब इसमें यदि मैं डिजिटल फंक्शन की बात करूँ तो ये जो पीछे अपने रोस्टर थी उसके अंदर जो डिजिटल टेक आ रहा था वो तो यहाँ कैरी फॉरवर्ड किया गया है। उसके अलावा इसके अंदर एडास भी दिया है। जी हाँ, इस बाइक में आपको एडास मिलने वाला है, जैसे उसमें आपको जो एमरजेंसी कोलिजन वार्निंग जैसे फीचर्स है वो आप यहाँ यूज कर सकते हो। उसके साथ आपको कॉर्निंग जो ABS है वो भी देखने को मिल जाएगा, जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत ही बढ़िया फीचर है, क्योंकि बाइक के लिए जितनी सेफ्टी हम प्रोवाइड कर सकते हैं एक राइडर को उतना ही बेहतर है। और साथ इसमें जो तीन मोड है रेस वाले वो मिल जाते हैं, एक है नॉर्मल, एक है इको और एक है हाइपर। हाइपर में इसकी बैटरी वो चूस लेगी, मतलब बहुत तगड़ी चूसने वाली है। यदि हम इसकी डिलीवरी की बात करें जो रोस्टर प्रो है, तो ये ओला ने क्लेम किया कि हम जनवरी 2025 में लोगों के बीच में इसको लेके आ जाएंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि जनवरी तक ये गाड़ियाँ आती हैं नहीं आती हैं। तो मैंने आपको ये तीनों बाइक्स के सारी डिटेल आपको बता दी है, और मेरे हिसाब से जो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वाली जो बाइक कैटेगरी है वो है रोस्टर, क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें आपको रेंज भी अच्छी मिल जाती है, आपको थोड़ा सा पावर अच्छी मिल जाती है, और उसी के साथ उसकी जो टॉप एंड स्पीड है वो भी बेटर मिल जाती है। और यदि आपके पास बहुत ही सारे पैसे हैं, मतलब आप ऐसा है कि आपको पैसों की कोई कमी नहीं है, तो फिर आप जो इसका प्रो वर्जन है वो भी ले सकते हो। तो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें।